अपना गुरु बतलाते हैं
और वो वेश्या कैसी कैसी स्थिति का वर्णन करती है, शरीर की स्थिति कैसी होती है, मनुष्य का शरीर कैसा रहता है, उसका वर्णन हमारा चल रहा था। तो उसी को आगे हम चलायमान करते हैं। मजे इसे ओवी कहा जाता है। तो आचार्य कवीश्वर व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, उद्धव गीता ग्रंथ है। तो भास्कर भट्ट बोरीकर अपनी ओवी के माध्यम से, सरस भाषा के माध्यम से उस वैश्या की मन की स्थिति का वर्णन करती है। वो वैश्या अपने मन में अपने शरीर के बारे में क्या विचार करती है, उसका वर्णन यहां पर किया जा रहा है। तो वैश्या क्या कहती है, ये जो मनुष्य का शरीर बना हुआ है ये कैसे है, मेद मांस को मिलाकर खून से उसे गीला करके मज्जा से उसे अच्छी तरह से कस दिया हुआ है। आप सबके, हम सबके शरीर के अंदर छोटी छोटी बड़ी नाड़ियां रहती, जिसे स्नायु भी कहा जाता है और मज्जा भी कहा जाता है। तो वो वैश्या क्या कहती है कि शरीर कैसे है, सबसे पहले इसके अंदर मेद और मांस भरा हुआ है, जो कैसा है, अपवित्र कहा जाता है। कभी किसी का खून निकल रहा हो या किसी के ऊपर की चमड़ी निकल गई हो और आप उसे देखो, आपको घृणा पैदा हो जाएगी। और खून के साथ मिला हुआ इस शरीर में क्या है, पूरे शरीर में खून ही खून है, और खून कैसा है, ये भी अपवित्र वस्तु माना गया हुआ है, पवित्र वस्तु नहीं है। और मज्जा अर्थात जो स्नायु है, जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से इस शरीर को कसा हुआ है। जैसे रस्सी से किसी वस्तु को कस दिया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर को क्या है, कस दिया गया। और वो वैश्या शरीर को निमित्त करके क्या कहती है कि इसी तरह इस शरीर के अंदर वात पित्त और कफ अर्थात श्लेष्मा मिलकर ये शरीर तैयार हुआ है। देखिए यहां पर शरीर की ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जिस स्थिति को सुनकर आप सबके मन के अंदर वैराग पैदा हो जाए। वास्तव में शरीर है क्या, जिस शरीर के पीछे स्त्री भागती है, पुरुष भागता है, वास्तव में उस शरीर की स्थिति क्या है, उसका वर्णन कर रही है। थोड़ा सा ध्यान से अगर श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर है क्या। अब शरीर कैसा है, इसमें क्या है, वात भरी हुई है, वात अर्थात वायु, कफ भरा हुआ है, कफ अर्थात हमारा जो गंदगी जिसे हम कह सकते हैं, श्लेष्मा जो है हमारे शरीर की जो गंदगी है, पसीना इत्यादि, ये शरीर के अंदर भरे हुए हैं। तिया मातिया लिंपोनी अस्ति चासाटा मेरोनी सिराए गवटा मग बांधी जेतो। और वो वैश्या क्या कहती है कि मिट्टी का यह शरीर बनाकर उसमें हड्डियां डालकर, उसमें नाड़ियां डालकर क्या है, इसको बांध दिया हुआ है। यह शरीर एक गंदी वस्तु है, इसमें ऐसे ऐसे जो तत्व हैं, जो ऐसे ऐसे एलिमेंट हो वो डाले जाते हैं। हड्डी अपनी हो तो बहुत अच्छी लगेगी, चमड़े के साथ मांस के साथ ढकी हुई हो तो बहुत अच्छी लगती है। वही हड्डी अगर स्वरूप के अंदर, अपने स्वस्वरूप के अंदर हमारे सामने आ जाए तो हम घबरा जाते हैं कि यह हड्डी कैसी है।
तो ये शरीर कैसे है? मिट्टी का बना हुआ है, हड्डियां और नाड़ियों ने इसको बांध कर रखा हुआ है। वेडूनी बोले उस मूर्ख व्यक्ति ने भी सुनी, बेवकूफ व्यक्ति ने भी
कि राजा कहीं जाने लगा है, राजा जा रहा है, बीमार हुआ पड़ा है, चलो उसका पता लेकर आते हैं। तो वो बेवकूफ व्यक्ति राजा के पास जाता है, राजा के पास गया, राजा को कहता है भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुना आप कहीं जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्योंकि मूर्ख था, मूर्ख के प्रश्न कैसे रहेंगे। तो राजा ने कहा कि मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं। उस बेवकूफ व्यक्ति ने पुनः कहा कि आप इस संसार को छोड़कर कहां जा रहे हो, राजा ने कहा मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। तो बेवकूफ कहता अच्छी बात है। तो उसने प्रश्न किया कि हे राजन, आप जिस दूसरी दुनिया में जा रहे हो तो क्या आपने उस दुनिया के अंदर अपना घर बनवाया। राजा कहता ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने उस दुनिया में अपना कोई घर नहीं बनवाया, मेरा कोई घर है ही नहीं। फिर उस बेवकूफ व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास इतनी द्रव्य संपत्ति है, क्या कुछ बैंक बैलेंस उस देश में तुमने छोड़ा, जो तुम यहां से छोड़कर जाओ और वहां जाकर तुम्हें वो पैसा मिल सके। राजा ने कहा ये भी नहीं किया। वो बेवकूफ व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास इतने नौकर जाकर हैं, तो क्या कुछ नौकर तुमने अपने से पहले वहां पर भेजे कि मैं भी आऊं, मेरा स्वागत किया जाए, मेरा जयकारा किया जाए, मेरा जय घोष किया जाए। तो राजा कहता ये भी नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वही हार जो राजा ने उसे दिया था वो अपने गले से उतारा और राजा के गले में डालते हुए क्या कहता है कि ये राजन सबसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं तू है। जब तुझे पता है कि जिस दुनिया के अंदर मैं जा रहा हूं उस दुनिया में मेरे नौकर काम नहीं आएंगे, पैसा काम नहीं आएगा, घरदार काम नहीं आएगा, फिर भी तुमने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों को इकट्ठी करने में लगा दी है, तुमने उन चीजों को इकट्ठा नहीं किया जो चीजें आगे जाकर काम में आने वाली है। वही बात वैश्य यहां पर कहती है कि मैंने पैसे को प्राप्त करने के लिए पुरुषों की कामना की और पुरुष मुझे प्राप्त होते गए, पैसा मुझे प्राप्त होता गया, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करता, और दूसरी विडंबना की बात वो पैसा 24 घंटे मनुष्य के पास नहीं रहने वाला है, ये समझकर हमें काम करना चाहिए। कृत्या कृत्या कीजे मगहात्मा प्रतिपाड़ीजे तो ही विगुनी जीजे या परते पाप नाही। अर्थात कि मनुष्य को करना क्या चाहिए, सबसे पहले अच्छे बुरे कर्मों का त्याग करके इस शरीर का पालन करना चाहिए। ये जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया हुआ है ये कैसा है, अच्छे और बुरे कर्मों को करने के लिए, अच्छे कर्मों को करने के लिए और बुरे कर्मों को त्यागने के लिए ये शरीर परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, और उसको भी बेचकर जीना इससे अधिक कोई पाप नहीं है। इस शरीर को ही हम बेच के पैसे के लिए हम जो भी काम करेंगे उसका मतलब क्या है, शरीर को हमने बेच दिया, अपने शरीर के लिए कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, पैसे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं कि यदि आपने पैसा खर्च के पैसा इकट्ठा करने के लिए आप जी रहे हो तो इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं। ये मिथले चाहाटी सरी साची करुणी सिगवटी जे ऐसी बोलवटी तो ही बोली मीचिए का। तो ऐसे जब उस वैश्य के मन के भाव पैदा हो जाते हैं तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी
वैश्या को मैंने गुरु माना। क्यों गुरु माना? क्योंकि इसने मुझे द्रव्य की अनित्यता बतलाई, इसने मुझे काम की अनित्यता बतलाई, इसीलिए श्री दत्तात्रेय महाराज जी उस वैश्या को भी गुरु धारण करती है। अगले गुरु के रूप में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ऋषि श्रृंग को अपना गुरु धारण करती है। ऋषि श्रृंग का दृष्टांत परमात्मा बतलाती है कि ऋषि श्रृंग से परमात्मा ने कौन कौन सा गुण धारण किया है। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि जनक राजा की इस उज्जैन नगरी के बाजार में शरीर का श्रृंगार करके उसे बेचने वाले दोनों लाइनों में मेरे जैसे दूसरे खराब और नहीं है। अर्थात यहां पर वो वैश्या ही बोलती है कि जनक नगरी के अंदर निवास करती है, उज्जैन के अंदर, वही मन में विचार करती है कि मेरे जैसा पापी जो है वो खराब वो कोई नहीं है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो जीवन में एक तत्व को धारण करें। वो तत्व क्या है? अपनी कमियां निकालें। दूसरे की कमियां हम अवश्य निकालते हैं, बिना कहे निकालते हैं। किसी गुरु ने नहीं कहा होगा दूसरे की कमियां निकालो, लेकिन हम निकालते हैं। उसी की बजाय जब हम अपनी कमियां निकालना शुरू कर देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। इतना आयुष्य व्यर्थ ही चला गया, ये बात हमें भी सोचनी चाहिए। आज तक हमारा जितना आयुष्य चला गया हुआ है, इस आयुष्य के अंदर हमने क्या प्राप्त किया और क्या खोया, ये विचार करने वाली बात है। क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, कौन सी श्वास आखिरी होगी हमें नहीं पता। इसीलिए आज ही विचार करो कि मेरा उतना आयुष्य व्यर्थ चला गया हुआ है, इससे आगे का जन्म मेरा व्यर्थ ना जाए, मैं अच्छे कर्मों को करता हूं। शेष जीवन रहता है वह तो परमेश्वर को अर्पित करो। जैसे वो वैश्या मन में विचार करती है कि मेरा सारा जीवन पाप कर्म करते हुए चला गया, अब जो थोड़ा सा जन्म मेरा बाकी बचा है वो तो परमेश्वर को समर्पित करो, वो मन में विचार करती है। तो यही भाव हमारा भी रहना चाहिए। नहीं आती है तो इसलिए विश्व
विषयों के पीछे जो व्यक्ति दौड़ता है उसे विषयों का परित्याग करना चाहिए और अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। आता सर्वस्व केवला ही सारा चिन्ह कि ये जीवात्मा
विकार से अलग हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा के दो विरुद्ध सूत्र हमें प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी जितनी मात्रा के अंदर हम विषय भोगों से दूर हो सके हमें अवश्य होना चाहिए। जिसके क्रियाकलाप समाप्त हो चुके हैं, सांसारिक व्यवहार
चुके हैं उसका अनुसरण लेना परमात्मा की शरण में जाना है। अब आप देख सकते हो कि आपके द्वारा परमात्मा की शरण में जाना क्या कहला सकता है। तो इसलिए जब आपको प्रतीति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए कि अब परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, तो उसी समय परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अपने घर के क्रियाकलापों से पूरे मुक्त हो जाते हैं, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तब भी हमारा अपने घर से मोह नहीं छोड़ता। बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने करना हो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कल परसों में किसी के घर में जाना हुआ, तो वहां पर मैंने उन सबको बोला कि ऐसे ऐसे जो छोटे बच्चे हैं वो संन्यास लेने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो क्या आप नाम भी नहीं ले सकते। लोग कहते हैं कि जब आपका संन्यास हुआ था तो उस समय हम वहां पर थे, हम रो रहे थे, वो भी रो रहे थे, आपके घर के रो रहे थे। मैंने कहा ये तो आपने देखा कि बहन रो रही है, भाई का संन्यास हो रहा है, संगत रो रही है, नहीं किसी छोटे बच्चे का संन्यास हो रहा है, माता रो रही है, मेरे पुत्र का संन्यास हो रहा है। लेकिन वहां पर एक लड़का और रो रहा था, वो क्यों रो रहा था कि इनका संन्यास हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो। और वो कहां पर था, जो लोग उस संन्यास के अंदर गए होंगे या जो लोग कपूरथला के अंदर जाते होंगे, उन्हें पता होगा कि भगवान जी की देव पूजा के लिए आसन लगाया जाता है। तो उस आसन कैसे है, वो सीढ़ियां बनी हुई है लोहे की बड़ी। तो जब दीक्षा विधि हो रही थी तो एक लड़का जिसका नाम था राहुल, वो उन सीढ़ियों के अंदर घुसकर बैठकर रो रहा। आज उनका संन्यास हो चुका है, परम पूज्य परमानंदीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय रोहन मुनि जी साकार, आज उनका नाम है। वो लड़का रो रहा है कि मेरे दोस्त का संन्यास हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। क्या भाव थे। और हमें गुरुजन बोले कि नाम ले लो, मंदिर आया करो, कथा में आया करो, शुक्रवार मंदिर में आया करो, हमें असर ही नहीं है। इसका कारण कि हम उस परमात्मा से अभी कोसों दूर हैं, थोड़ा दूर नहीं, कोसों दूर हैं। कि कहना पड़े कि आओ देव पूजा रखी हुई है, देव पूजा नमस्कार करो, शुक्रवार की देव पूजा रखी है, शुक्रवार देव पूजा नमस्कार करो। देव पूजा नमस्कार होती है, हमने आपको मैसेज भेज दिया कोरोना के कारण देव पूजा बंद कर दी गई, लेकिन उसका बंद करने का मकसद संगत आप लोग मंदिर आते ही नहीं, चार लोग आते हैं, हमने भी बंद कर दिया। आज भी यहां की स्थिति का वर्णन करो, कुछ ही पुराने भक्त ऐसे हैं जो अपने नित्य नियम के अंदर चल रहे हैं, या पूरे पंथ की बात करो तो पुराने लोग ही ऐसे हैं जो अपनी विधि का पालन कर रहे हैं। नए जो पीढ़ी है वो है नहीं है एक समान ही, मुझे लगता है। बोल दिया देव पूजा कर ली, छोड़ दिया, तो आपने भी छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब आपको ज्ञान का श्रवण हो जाए, आपने सुन लिया कि ये ज्ञान ऐसे है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी दिन से उस विधि के अनुसार आपने चलना, आपको चलना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के सिवाय रक्षा करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अंतिम समय में डॉक्टर भी आपको यही बोलेंगे, अब तो परमात्मा ही इसकी रक्षा कर सकता है। डॉक्टर भी जब हार जाते हैं वो बोलते हैं दवा तो काम नहीं कर रही, अब दुआ ही काम करे। तो क्यों ना दवा से पहले ही हम दुआ के ऊपर चले कि वो समय ही हमारे पास ना आए। तो ऐसे अपने धर्म को, अपने कर्म को बढ़ाते हुए जिस विधि का हमें ज्ञान हो जाए, उसी विधि को उसी समय करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए।
नहीं हो जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। तो गुरु तत्व को धारण कीजिए, ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज यहाँ पर राजा यदु को बतलाते हैं। ऐसी कवनी ते कांता जिया विभान का
अरे महाराज जी, ऐसी वो कौन सी स्त्री थी जिसने विभाणक ऋषि के पुत्र को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया हुआ है और उसे अपने साधन से भ्रष्ट कर दिया है, ऐसी वो स्त्री कौन थी मैं ये जानना चाहता हूं। कैसा वितरागु आई जी ऋषि श्रृंगु त्यासी साला भंगु सांगे कवनी परी। और राजा भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से क्या कहती है कि श्रृंग ऋषि बहुत बड़ा विरक्त कहा जाता है, वह साधना से किस प्रकार गिर गया, क्योंकि शास्त्रों में क्या आता है ऋषि स्त्रिंग स्त्री पुरुषो ऐसा विभाग देने परि संबंधे पूराजे चैतन्य वेद कि वो ऋषि श्रृंग कैसा है, स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री का विभाग क्या है, पुरुष का विभाग क्या है, वो जानता ही नहीं है। फिर भी स्त्री के संबंध मात्र से वो धर्म से गिर गया, वो किस प्रकार गिरा ये मैं जानना चाहता हूं। ज्याचा हृदय पटी वनिता विलासाचे बिंबंती तो धावे स्त्रिया पाठी ऐसे की भी जाले। और राजा यदु क्या कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके हृदय में स्त्री के भोग विलास की छाया भी नहीं, कभी छाया भी नहीं पड़ी, फिर भी स्त्री के पीछे वो दौड़ने लग गया, ये प्रकार कैसा हुआ मैं ये जानना चाहता हूं। तब मनी अवधूतु तो तुज सांगे न मृतांतु जेने बांधला मृगी सुतु प्रमदाजनी। तो राजा ने जब भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से प्रश्न पूछे तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, राजा दशरथ के राज्य में एक बार क्या हुआ, दुष्काल पड़ जाता है। तो दुष्काल पड़ा, दुष्काल पड़ने के बाद क्या हुआ कि राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, तो सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने कहा कि इस वर्ष हमारे राज्य में वर्षा नहीं हुई, तो दुष्काल पड़ चुका हुआ है, तो बताओ क्या करें, कौन सा यज्ञ करें कि दुष्काल सुकाल हो जाए। तो सभी ऋषियों ने क्या कहा कि किसी अखंड ब्रह्मचारी को यहां पर लाओ, अपने आप बारिश हो जाएगी, पुराने समय में हुआ करता है। तो उस समय सभी ने मन में विचार किया कि जो व्यक्ति समाज के अंदर रहता है, जिसने स्त्री के दर्शन किए हुए हैं, वो अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि विकार पैदा होना स्वाभाविक है। तो क्या किया जाए, तो सभी ने कहा कि विभाणक ऋषि के पुत्र हैं ऋषि श्रृंग ऋषि, ये जंगल में रहते हैं और आज तक इन्होंने स्त्री के दर्शन तक नहीं किए, इनको यदि राजा दशरथ अपने राज्य में लाए तो सुकाल हो जाएगा। ऐसा सभी ऋषियों ने एक मत से भेजा। तो अब सभी ने कहा कि इनको लाया कैसे जाए, क्योंकि विभाणक ऋषि जो थे वो स्त्रियों से बहुत द्वेष करते थे, स्त्रियों से उन्हें बहुत घृणा थी, क्योंकि स्त्री के कारण क्या हुआ कि उनका ब्रह्मचर्य व्रत जो था वो भंग हो गया था, इसलिए वो अपने मन में विचार करते थे कि मेरा व्रत भंग हुआ, मैं अपने पुत्र का व्रत भंग नहीं होने दूंगा। इसीलिए उन्होंने जब उनका पुत्र पैदा हुआ, और ये ऋषि श्रृंग कैसी है, हिरनी के पेट से पैदा हुई है, ये स्त्री के पेट से पैदा नहीं हुई, हिरनी गर्भ संभूतो ऋषि श्रृंगो अपि मा मुनि तपसा ब्राह्मणो जायते जातिस्तत्र न कारणम्। हिरनी के पेट से पैदा हुए हैं ऋषि श्रृंग, और कहा जाता है कि इनके एक सिंह भी था। तो जब
विभाजन ऋषि का ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाता है तो वो अपने मन में विचार करती है कि मैं अपने पुत्र को स्त्रियों के से बहुत दूर रखूंगा, स्त्रियों की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को लेकर वन में चले गए, जंगल में चले गए जहां पर कोई भी स्त्री का आना जाना वर्जित है। तो सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ऋषि श्रृंग को यदि लाया जाए तो जाकर कोई बात बनेगी, फिर जाकर कुछ आपके राज्य के अंदर जो वर्षा है वो वर्षा हो जाएगी। और उसको बुलाने के लिए क्या है, एक ही साधन, जहां पर कोई भी काम ना आए वहां पर स्त्री को खड़े कर दो। और ऋषियों ने भी यही बात बोली कि ऋषि श्रृंग किसी भी तरह से समाज के अंदर नहीं आएंगे और विभाजक ऋषि आने नहीं देंगे। तो क्या करो, सीधा ही अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार अर्थात स्त्री, इससे ऊपर पुरुष को गिराने के लिए कोई प्रहार नहीं है। उन्होंने सीधा ही बोला कि स्त्रियों को भेजो, अर्थात जो वैश्य इत्यादि है उनको आगे जाकर भेजो, ऋषि जी अपने आप आ जाएंगे। राजा दशरथाचादिशी बर्ग पड़िले कवनी की वर्षी तई मोल पाठ मिले ऋषि श्रृंगासी वधू जनाते। तो राजा यदु के पूछने पर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि स्त्रियों के द्वारा किस प्रकार ऋषि श्रृंग को बंधन में पड़ा, वो कैसे बंधन में पड़े, वो घटना कैसी है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। अर्थात राजा यदु ने भगवान जी से प्रश्न किया हुआ है या प्रश्न किया होगा और विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी क्या कहती हैं कि इस वृत्तांत को मैं तुझे विस्तार से सुनाता हूं, शॉर्टकट में नहीं सुनाऊंगा, पूरे विस्तार के साथ। अर्थात परमात्मा ने यह भी बताया हुआ है कि वो जो पत्रकलिका नामक वैश्य है वो कपड़े कौन से डालकर गई हुई है। इतना विस्तार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव देव को बताती है और श्री दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु को बतला रहे हैं। त्यामाजी पात्र सभी स्त्रियों की प्रमुख कही जाती है और सभी वैश्याओं के अंदर सुंदर हैं और नाच गाने के अंदर भी वो कैसी हैं, प्रवीण हैं और पुरुषों के मन को आकर्षित करने में सबसे प्रमुख थी। ऐसी जो पात्र कलिका नामक वैश्या है उस वैश्या को ऋषि श्रृंग के पास भेजा गया। ते काम तत्वाची गुण देवता की लावण्य वरिची कल्प सुता नादे मूर्त जाले संगीता चंद्र किरणाची। और उस पात्र कलिका का वर्णन करते हुए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि वह मानो काम शास्त्र की अधिष्ठात्री को, काम शास्त्र की अधिष्ठात्री अर्थात जैसे हमें ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं, दर्शन शास्त्र प्राप्त होते हैं, व्याकरण शास्त्र प्राप्त होते हैं, वैसे ही काम शास्त्र भी एक शास्त्र है। रति क्रीड़ा किस विधान के अनुसार होनी चाहिए उसका ज्ञान भी हमारे शास्त्रों के अंदर आया हुआ है। तो ये पात्र कलिका कैसी है, उस काम शास्त्र की अधिष्ठात्री है, काम शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाली तथा सुंदर एवं जंगल की कल्प वृक्ष के समान थी। जैसे कल्प वृक्ष
जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो प्रदान करती है, वैसे ही वो पात्र कलिका कैसी है, जिस पुरुष की जैसी इच्छा हो उसकी वो इच्छा पूरी करती है। सुंदरता की मानो वह ऐसी मूर्ति है कि चंद्रमा की 70वीं कला अवतीर्ण हुई हो। चंद्रमा की 16 कलाएं कही जाती है और इस पात्र कलिका को कौन सी उपमा दी गई है, 70वीं कलिका, अर्थात वो इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता से काम से क्या है, अपने कार्य को अच्छी तरह से करती है। तो ऐसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ऋषि श्रृंखला जो दृष्टांत है हमें यहाँ पर बतलाते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। कल पुनः ठीक 4:25 पे हम सब अपनी कथा का आरंभ करेंगे और जो सद्भक्त जनता घर में बैठकर हमारी कथा का श्रवण कर रही है ठीक 9 बजे अपने अपने स्वस्थान पर आएंगे। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त।